अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर सिर्फ RAC से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड होती हैं, लेकिन आज मैं फैसलाबाद में बहुत ही मशहूर शौक बाइक के शोरूम पर मौजूद हूं, जो कि यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, शौक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबका काम जो है इस वर्कशॉप में तसल्ली बख्श किया जाता है। और ऊपर इसी में आपको इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं ऊपर। और यहां पर मैं आपको मिलवाता हूं जवाद सर से, जो कि यहां पर इंस्टीट्यूट को मैनेज करते हैं, पढ़ाते हैं, अंदर क्लासेस होती हैं और जहां पर आप भी सीख सकते हैं EFI का काम। तो चलिए, यही है जवाद सर का ऑफिस। अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैं सर जवाद। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि सर जवाद साहब का एक अपना ही YouTube चैनल है, जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड ऑटोमोटिव ट्रेनर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर तरह के जदीद तरीन टूल्स मिल जाते हैं फॉल्ट डायग्नोस करने के लिए, और बहुत सारी जो कि ECM रिपेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट हैं इनको टेस्ट करने के लिए और इनको रिपेयर करने के लिए, ये सारे जदीद तरीन टूल्स मिल जाते हैं। और ये काम सारा सिखाया भी जाता है, यहाँ पर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम जवाद सर से डिटेल में बात करते हैं। तो जी जवाद साहब, आप हमें इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज़म साहब, आप अपने चैनल पे हमारे इंस्टीट्यूट को जो है वो रोशनास करवा रही हैं अपने व्यूवर्स को। जी, ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें 27 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी जो है ना ये हमारा पंपलेट शो हो रहा है, उसमें ना 27 कोर्सेज जो है ना वो आ रहे हैं, जिसमें जनाब EFI सिस्टम है, कार स्कैनर मैकेनिकल है, EFI डायग्नोज है, कार AC सिस्टम है, की प्रोग्रामिंग है, स्मार्ट की प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे जनाब 27 जो कोर्सेज है ना वो एक छत के तले आपको मिलेंगे, जिसमें जनाब DTC रिमूविंग, DPF रिमूविंग और EGR रिमूविंग का जो है ना वो भी कोर्स करवाया जाता है। अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आता है तो हमारे पास यहाँ पर अकोमोडेशन भी है, हम यहाँ पे उनको रहने के लिए जगह भी देते हैं और साथ में उनको कोर्सेज भी करवाते हैं। हमारा तरीकाकार ये है कि आपने सुबह, कोई भी अगर स्टूडेंट है उसने सुबह 9 बजे वर्कशॉप में आना है और रात को 8 बजे जो है ना उसका टाइम होगा, जिसमें 1 घंटा क्लास होगी, उसी में थ्योरी, प्रैक्टिकल और वीडियो दिखाई जाएगी। फिर उसने बाकी का जो टाइम है वो सारा दिन नीचे वर्कशॉप में टाइम लगाना होता है, हम उसको सीनियर टेक्नीशियन के साथ अटैच कर देते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली भी यहाँ पे सीखता रहे। अगर यहाँ पे आपने देखा है कि जी पंपलेट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, नंबर भी आ रहे हैं, अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो कोई नंबरों पे रब्ता करे, व्हाट्सअप करे, हम आपको मजीद इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देंगे। चलिए जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंस्टीट्यूट का तारुफ भी करवाया। और जाते जाते हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनको कुछ गाड़ी से रिलेटेड कुछ टिप्स दे। देखिए जी, गाड़ी से रिलेटेड जो टिप है, जब भी आप रेडिएटर में ना पानी जब आप डलवाते हैं तो ये आम सा पानी ना आप डलवाएं, यानी कि आप नल खोला पानी आप उसमें आपने भर लिया। आप जब भी रेडिएटर में जो आपने कूलेंट ही आपने यूज़ करना है, आम पानी यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ जिसमें ये होगा आपकी रेडिएटर की लाइफ भी ज़्यादा होगी, इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होगी। और बैटरियों में जो आप लेवल पूरा करने के लिए पानी डालते हैं, वो भी मकैनिक हज़रात क्या करते हैं, आम सी टूटी जनाब आम सा पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने आम सा पानी इस्तेमाल नहीं करना जो कि ज़मीन से निकलता है, वो आपने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है, जिससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। और जब इंजन की चेक लाइट आ जाए, आपने बगैर स्कैनर बंदे से वो गाड़ी आपने चेक नहीं करवानी, जिसके पास स्कैनर है वो पहले डायग्नोज करे प्रॉपर, फिर आपने काम करवाना है। और इस तरह की मजीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं और टिप्स वाली और इन्फॉर्मेटिव, वो भी आपको इस चैनल से मिलेगी, ऑटोमोटिव ट्रेनर यूट्यूब चैनल है। जी जी बिल्कुल, आपका जो चैनल है उनका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और जो ये वर्कशॉप की लोकेशन है। आजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसमें मेरा नंबर भी डाल दें, अगर आपके सब्सक्राइबर को ऑटो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं वो जनाब व्हाट्सएप पे उसका जवाब दूंगा।
जी, जवाद सर का नंबर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही शो हो रहा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। तो जो फ्रंट एसी का काम सीखते हैं या मेरी वैसे ही नॉर्मली वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए एक ये भी फील्ड है जो कि एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, एक टेक्निकल फील्ड है जो कि आने वाले वक्त के लिए बहुत ही आगे जाने वाली फील्ड है। तो इसका काम सीखना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। आज का टॉपिक यही। अल्लाह हाफिज़।